नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की छतरपुर नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर नंबर के साथ मेजॉरिटी हासिल कर ली है और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा ही छतरपुर नगर पालिका की सरकार बनाएगी। छतरपुर में 40 वार्ड हैं और इसमें से 5 वार्ड ऐसे थे जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी थी और इन वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी ने अपने उम्मीदवार मुस्लिम उतारे थे। इस बार छतरपुर की नगर परिषद में कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर गए हैं, इन मुस्लिम वार्ड का रिजल्ट क्या रहा, इस वीडियो में देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम वार्ड्स का रुझान, उनकी सोच, उनका मूड कैसा रहा। नजर डालते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि सबसे जो मुस्लिम वार्ड हैं उसमें सबसे बड़ी जीत किसकी है और किस तरह से ये वार्ड का रुझान सामने आया है। बात करते हैं छतरपुर के वार्ड नंबर 13 खटक्याना मोहल्ले की, जो छतरपुर के ताज कॉलोनी, खटक्याना मोहल्ले और बसारी गेट के आसपास का इलाका है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इस वार्ड से बिलाल अली चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, उन्हें 832 वोट मिले हैं। कांग्रेस के सब्बीर दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 637 वोट मिले हैं और जीत का अंतर लगभग 195 वोट का रहा है। इस वार्ड में और भी 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी थे मुस्लिम, जो कि हार गए हैं। हसीब खान इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे, फिरोज खान इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे और ये पूरा मुकाबला भाजपा के बिलाल अली ने जीत लिया है। अगली ओर बढ़ते हैं, वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है और संकट मोचन मंदिर के आसपास की जो पहाड़ी है उस तरफ का ये इलाका है जहां से कांग्रेस की आशिया रायन ने मुकाबला जीता है। आशिया रायन को 1186 वोट मिले हैं, भाजपा की साबिया को 347 वोट मिले हैं और इस तरह से कांग्रेस ने इस मुकाबले को 839 वोट के बड़े अंतर से जीता है। तो वार्ड नंबर 14 पर कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट ने भाजपा के मुस्लिम कैंडिडेट पर विजय हासिल की है। और अब बढ़ते हैं आगे, वार्ड नंबर 15 की बात करें तो यहां पर एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी बाहर हो गए हैं। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है, वार्ड नंबर 15 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास का ये इलाका है। यहां भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, लेकिन चुनाव जीता है बसपा की रीना नफीस खान ने। ये 441 वोट लेकर सबसे आगे रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सूफिया जो थी वो 345 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी 257 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं, जबकि भाजपा की प्रत्याशी सिर्फ 124 वोट हासिल कर पाई। और इस तरह से वार्ड नंबर 15 में 96 वोट से रीना नफीस खान ने बहुजन समाज पार्टी के नाम ये सीट कर दी है। इस सीट पर बसपा का खाता खुला है। बात करते हैं वार्ड नंबर 25 की, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। आजाद अली इस वार्ड से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार थे और 354 वोट के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता है। आजाद अली को 960 वोट मिले हैं, उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के शरीफ खान के साथ था जिन्हें 606 वोट मिले हैं। भाजपा से सरफराज खान मैदान में थे जो तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 384 वोट मिले हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के आजाद अली ने छतरपुर के वार्ड नंबर 25 से 354 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। बात करते हैं वार्ड नंबर 26 की, यहाँ से शकीला अब्बास अली ने दोबारा चुनाव जीत लिया। ये रीसेंट पार्षद थे अब्बास अली, उनकी पत्नी शकीला अब्बास अली चुनाव मैदान में थी और बहुत बड़े मार्जिन से ये चुनाव उन्होंने जीता है। 1406 वोट उन्हें मिले हैं और जीत का अंतर 1152 का है। यहाँ से भाजपा की रेहाना खातून को कुल 254 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रही हैं। वार्ड नंबर 27 की बात करते हैं, यहाँ से एक नया उलटफेर हुआ है। हालांकि ये पूरा वार्ड मुस्लिम इलाका नहीं है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका है। शुक्लाने के आसपास का जो इलाका है वहाँ मुस्लिम मतदाता थे और उन्हीं मतदाताओं की दम पर जिब्राइल खान चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस ने यहाँ भावना सोनी को और भाजपा ने शिव कुमार ताम्रकार को मैदान में उतारा था, लेकिन जिब्राइल खान 746 वोट लेकर चुनाव जीत गए हैं, जबकि भाजपा के शिव कुमार को 637 वोट मिले हैं। भाजपा को 109 वोट से जिब्राइल ने ये चुनाव हराया है। कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही, भावना सोनी को 545 वोट मिले।
तो इस वीडियो में इतना ही। तमाम विश्लेषण के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। नमस्कार।